हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हुई मौत, परिजनों ने दोस्त के ऊपर लगाया हत्या का आरोप, मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। विद्युत स्पर्शाघात से पति पत्नी झुलसे, पत्नी की हुई मौत, एक पड़ोसी भी आया चपेट में। हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कीड़े मारने की दवा खिलाने के महाअभियान का गुरुवार को होगा शुभारंभ। सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, कहा पूरी तरह से सुरक्षित है ये दवा। एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने शाहपुर थाने का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट, कहा फरियादियों के साथ करें सौम्य व्यवहार। कैंट रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या अंडरपास के निर्माण के लिए नगर विधायक ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण, निर्माण की संभावना पर आने स्पॉट किया मंथन। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक, उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण के दिए निर्देश। त्योहारों के मद्देनजर सभी थानों और पुलिस चौकियों पर किया गया दंगा नियंत्रण का अभ्यास, एसपी सिटी ने कहा पुलिस की तैयारियों की गई है समीक्षा ताकि जरूरत पर ना हो कोई चूक। क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए बेलीपार थाने पर पीस कमेटी की हुई बैठक, मुहर्रम व गणेश चतुर्थी पर्व पर निकलने वाले जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए की गई चर्चा। छात्रवृत्ति पखवाड़ा के तहत छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में हुई बैठक, 5 छात्रों के डाटा फीड करने के दिए गए निर्देश। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह में वैदिक और मॉडर्न साइंस के डिफरेंस पर डाला गया प्रकाश। दंगाइयों से निपटने को लेकर बेलीपार पुलिस ने भी किया अभ्यास, एसपी साउथ ने कहा आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा माइक्रो एरिगेशन पर ड्राप मोर क्राप के अंतर्गत एक दिवसीय कृषक संगोष्ठी का किया गया आयोजन, मौजूद किसानों को दी गई जानकारी।